हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में दोस्तों। और ये दोस्तों एपिसोड नंबर है 24। और दोस्तों आज हम सीखेंगे एक नए इंडिकेटर के बारे में जिसका इस्तेमाल मैं करता हूं दोस्तों। और ये इंडिकेटर है दोस्तों स्टोकास्टिक, जिसका हम सीक्रेट जानेंगे आज दोस्तों। और उसका कंसेप्ट क्या है, इसके फॉर्मेशन का, इसके कंस्ट्रक्शन का, उसे जानेंगे ताकि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और इसका इफेक्टिव यूज करना हम सीख सकें दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों, इस ब्यूटीफुल परिवार का हिस्सा। एंड दोस्तों बेल आइकन को एनेबल करना सब्सक्रिप्शन करने के बाद नहीं भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पर मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों अ गुड न्यूज, वी आर शॉर्टली स्टार्टिंग जीरो टू हीरो सीरीज इन इंग्लिश वर्जन फॉर अ लार्जर ऑडियंस एंड इंटरनेशनल ऑडियंस दोस्तों। तो फ्रेंड्स वॉच आउट फॉर द अनाउंसमेंट, द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम फॉर अपकमिंग जीरो टू हीरो इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टोकास्टिक की इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों स्टोकास्टिक का जन्म लेट 1950s में हुआ और इसको डेवलप किया दोस्तों जॉर्ज लेन ने। एंड दोस्तों यह आज की डेट में भी, इतने वक्त गुजरने के बाद भी दोस्तों, एक ये पॉपुलर इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है टेक्निकल एनालिस्ट के बीच में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि स्टोकास्टिक होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों। जैसा हमने जीरो टू हीरो श्रृंखला में आरएसआई के बारे में जाना दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वैसे ही ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। एंड दोस्तों ये जो है कंपेयर करता है क्लोजिंग प्राइस, जो करंट क्लोजिंग प्राइस है उसको एक पीरियड के दौरान जो प्राइस का रेंज है उससे वो अपने आप को कंपेयर करता है। तो दोस्तों ये समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों कि ये एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस का रेंज है उससे वो करंट प्राइस को कंपेयर करके इसका कंस्ट्रक्शन होता है और इसका डिजाइन किया गया है दोस्तों, जो हम आगे चलेंगे तो इसे समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों साथ में ये भी समझेंगे आज की श्रृंखला में कि आरएसआई और फिर स्टोकास्टिक के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर है तो बेसिक डिफरेंस क्या है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस सेशन में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके अपनी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पहचानने में और फिर उसे
एग्जीक्यूट करने में सफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक जो है सेंसिटिव है मोमेंटम के प्रति, ना कि एब्सोल्यूट प्राइस के प्रति। क्योंकि दोस्तों ये कर क्या रहा है, 14 डे पीरियड जो इसका डिफॉल्ट पीरियड है किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, तो 14 डेज के पीरियड में जो भी प्राइस की रेंज रही है उसको करंट प्राइस से कंपेयर कर रहा है। तो दोस्तों ये बेसिकली वो मोमेंटम दर्शा रहा है कि करंट प्राइस जो है वो क्या मोमेंटम दर्शा रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ प्राइस इन 14 डे पीरियड, जो कि इसका डिफॉल्ट सेटिंग है किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों। एंड दोस्तों इसीलिए ये सेंसिटिव है मोमेंटम के प्रति, ना कि एब्सोल्यूट प्राइस के प्रति। यस, मोमेंटम की स्टडी जो है वो प्राइस के रेंज और करंट प्राइस के द्वारा की जा रही है। एंड साथ में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये एक ऑसिलेटर है जो एक दो बाउंड्रीज के बीच में ऑसिलेट करता है, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता है। और दोस्तों वो बाउंडेड रेंज जो है, लोअर रेंज 0 है और अपर रेंज 100 है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझते हैं आगे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो डिजाइन किया गया है, उसके दो मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं, और उन दो मुख्य एलिमेंट्स के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि दोस्तों जब हम इस इंडिकेटर की स्टडी करें तो हमें ये पता हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस माध्यम के द्वारा अराइव किए जा रहे हैं, ताकि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जब इसे प्राइस एक्शन के द्वारा कंबाइन करते हैं तो स्टडी हमारी एक्यूरेट होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसके जो दो मुख्य एलिमेंट्स हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो दो मुख्य एलिमेंट्स क्या है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि स्टोकेस्टिक के दो वो मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं जिनके द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन होता है, जिसे हम चार्ट के ऊपर में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो दो मुख्य एलिमेंट्स हैं इसके, वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के, पहला एलिमेंट है दोस्तों वो है परसेंटेज के। अगर आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो दोस्तों परसेंटेज के लिखा हुआ मिलेगा, एंड दूसरा है दोस्तों परसेंटेज डी। अब जैसा नाम से आधारित हो रहा है दोस्तों कि कोई ऐसा कैलकुलेशन के द्वारा वो परसेंटेज निकाला जा रहा है दोस्तों, जिसके माध्यम से ये के की वैल्यू और डी की वैल्यू हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो परसेंटेज के या परसेंटेज डी जो है, ये जो दो एलिमेंट्स हैं इसके स्टोकेस्टिक के, वो कैसे निकाले जाते हैं और उनको निकालने का बेसिक रैशनेल क्या है, बेसिक फाउंडेशन क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टोकेस्टिक की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम कंसेप्चुअली उसे समझते हैं तो उसके एप्लीकेशन करते हैं के दौरान हमारे बैकग्राउंड में वो उसके कंसेप्ट रहते हैं जो हमें स्टडी करने में बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों जब हम कंसेप्चुअली इसे समझते हैं तो सबसे पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि इनका कंस्ट्रक्शन का आधार क्या है, ये कौन से फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं जिससे ये चार्ट के ऊपर में फॉर्मेशन हो रहा है। मैं कतई ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि हमें या आपको इसके कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व होना है, बट दोस्तों सॉफ्टवेयर के जमाने में आज कैलकुलेशन की आवश्यकता भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किए जा रहे हैं और ये सिंपली प्लॉट होते रहते हैं हमारे चार्टिंग टूल पर। लेकिन दोस्तों जब हम फॉर्मूला के एलिमेंट को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके जो दो एलिमेंट्स हैं परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी, ये कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं और ये क्यों सेंसिटिव है मोमेंटम के प्रति,
ना कि एब्सोल्यूट प्राइस के प्रति। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। और दोस्तों इसका फॉर्मूला है परसेंटेज के इज इक्वल टू सी माइनस एल 14 डिवाइडेड बाय एच 14 माइनस एल 14 इंटू 100। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, इसके एक एक एलिमेंट को मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब दोस्तों ये फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड बाय 100 ये क्लियर कर रहा है दोस्तों कि ये प्राइस के रेंज का परसेंटेज निकाल रहा है, और इसीलिए दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए इसे परसेंटेज के कहा जाता है। ऑल्दो दोस्तों परसेंटेज डी का कैलकुलेशन परसेंटेज पर आधारित नहीं है, लेकिन परसेंटेज के की जो वैल्यू आती है उसी से डिराइव किया जाता है परसेंटेज डी, और इसीलिए उसे भी इंडिकेट किया जाता है, सिग्निफाई किया जाता है परसेंटेज टर्म्स में। तो दोस्तों पहले एक एक एलिमेंट को समझते हैं कि परसेंटेज के है क्या दोस्तों। तो दोस्तों इन दिस फॉर्मूला परसेंटेज के जो इंडिकेट करता है दोस्तों कि आज की डेट में अगर हम प्राइस चार्ट को आज अभी देख रहे हैं तो उस समय पे स्टोकास्टिक की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों पहला एलिमेंट है सी। सी इंडिकेट करता है ऊपर वाले फॉर्मूला में दोस्तों कि मोस्ट रीसेंट क्लोजिंग प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली चार्ट को देख रहे हैं तो डे के समाप्ति के बाद मार्केट की क्लोजिंग प्राइस क्या है, और वीकली चार्ट देख रहे हैं दोस्तों तो वीक की क्लोजिंग प्राइस क्या है, और एक घंटे के चार्ट को देख रहे हैं तो हर घंटे में एक कैंडल कंप्लीट होती है तो उस समय पे क्लोजिंग प्राइस क्या है दोस्तों। एंड दोस्तों अगला एलिमेंट है कि इस क्लोजिंग प्राइस में से माइनस किया गया है L14, तो L14 को समझना जरूरी है। L14 दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट पीरियड जो है मिस्टर जॉर्ज लेन ने जो ओरिजिनल कंसेप्ट दिया था लेट 50s में 1950s में, उसमें दोस्तों 14 डे के दौरान, पिछले 14 डे के दौरान लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है दोस्तों, तभी तो दोस्तों करंट प्राइस से वो कंपैरिजन हो पाएगा प्राइस के रेंज का। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने एच 14 को देखा कि इसी पीरियड में जो 14 डे का पीरियड है उसमें हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है दोस्तों। तो उन्होंने क्या देखा दोस्तों, दो प्राइस को यूज किया। पहला प्राइस कि पिछले 14 डे में जो डिफॉल्ट पीरियड है इसका उसके दौरान लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, और उसी पीरियड में हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। और सी सिग्निफाई करता है करंट प्राइस को। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों कि करंट प्राइस को वो कंपेयर कर रहा है ट्रेडिंग रेंज से, 14 डे के ट्रेडिंग एक्सट्रीम ट्रेडिंग रेंज से, क्योंकि लोएस्ट टू हाईएस्ट को कंपेयर कर रहा है करंट प्राइस से। एंड दोस्तों इसीलिए इसे समटाइम्स स्लो स्टोकेस्टिक बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों करंट प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो 14 डे के प्राइस के कंपैरिजन में बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो परसेंटेज के की लाइन चार्ट के ऊपर में प्लॉट होती है दोस्तों वो इंडिकेट करती है स्टोकेस्टिक की रियल वैल्यू इस फॉर्मूला के तहत, जिसे कई बार स्लो स्टोकेस्टिक भी बोला जाता है दोस्तों। स्लो का मतलब है ये मोमेंटम के प्रति स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब दोस्तों मोमेंटम में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई है इसको जानने के लिए हमें एक फास्ट स्टोकेस्टिक की जरूरत है, तो इसीलिए दोस्तों परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया गया है जो इसका सेकेंड एलिमेंट है दोस्तों। और वो परसेंटेज डी क्या है दोस्तों,
कि जब परसेंटेज के की वैल्यू डेली बेसिस पे निकल रही है दोस्तों, तो उसका थ्री पीरियड का मूविंग एवरेज को प्लॉट किया जाता है। मींस परसेंटेज के द्वारा परसेंटेज थ्री निकाला जा रहा है, जो इंडिकेट करता है दोस्तों कि थ्री पीरियड के मूविंग एवरेज को वो दर्शा रहा है। और इसीलिए दोस्तों, सिंस ये तीन दिन के मार्केट में जो सेंसिटिविटी है उसको दर्शा रहा है, इसीलिए दोस्तों इसे फास्ट स्टोकेस्टिक बोला जाता है दोस्तों। तभी तो दोस्तों ये कंपैरिजन होगा कि 14 डे की जो दशा है या दिशा है, वो तीन दिन में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर जॉर्ज लेन ने जब इसको डेवलप किया दोस्तों लेट 1950s में, तो उन्होंने मार्केट के सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए और उस सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन्हें एक चीज बहुत क्लियरली नजर आई, जो उन्होंने अल्टीमेटली इसमें कंसेप्ट को अप्लाई किया। और इसीलिए दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन जब होता है, स्टोकेस्टिक का जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो कुछ बातों को वो अज्यूम करता है, तो उसके कुछ फाउंडिंग अजम्पशंस हैं। और वो अजम्पशंस दोस्तों इवन आज भी आप किसी भी प्राइस चार्ट में जाके अगर आप स्टडी करके देखेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में है और मार्केट जब डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, तो किस तरह की कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों वो एक्चुअली आज की डेट में भी ऑब्जर्व किया जाता है और दिखाई देगा आपको प्राइस चार्ट के ऊपर में, जो मिस्टर जॉर्ज लेन ने लेट 1950s में इसे ऑब्जर्व किया और ये बना दोस्तों फाउंडिंग अजम्पशंस, जो स्टोकेस्टिक को कंस्ट्रक्शन में कंसेप्ट को अप्लाई करता है। और दोस्तों वो क्या है दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में होगा, जब भी मार्केट बुलिश मूव में होगा दोस्तों, उस समय में प्राइस की एक टेंडेंसी होगी कि प्राइस दोस्तों क्लोजिंग के और हाई के नियर में मार्केट क्लोज होगा। तो अगर मान लीजिए दोस्तों एक 100 रुपए का स्टॉक है, उसने आज की डेट में अगर 101 रुपए का हाई बनाया है और क्लोजिंग उसकी हुई है, तो वो देखेंगे दोस्तों कि वो हाई के 101 रुपए के करीब 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 होगा, 100 से 100.5 के अगर 3% का मूव अगर हुआ है, तो वो हाई के एंड में क्लोज होगा दोस्तों। और वो इंडिकेट करता है दोस्तों कि एक बुलिश मोमेंटम कितना अधिक है, अपसाइड मोमेंटम कितना अधिक है। एंड दोस्तों जस्ट अपोजिट होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूव में होता है, तो इन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट दोस्तों प्राइस की एक टेंडेंसी होगी कि टेंड टू क्लोज नियर दी लो। तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर बहुत अधिक है और प्राइस जहां पे क्लोज हो रही है वो करीब करीब उस दिन के लो का के नजदीक है, पास है। और दोस्तों यही कारण है कि इसे सिग्नल के लिए इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो परसेंटेज के और परसेंटेज डी का जब क्रॉसओवर होता है दोस्तों, तो वो सिग्नल देने की क्षमता रखता है ये इंडिकेटर, ये ऑसिलेटर। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि जो 14 डे का जो प्राइस रेंज को हम कंपेयर कर रहे हैं करंट क्लोजिंग प्राइस से, जो परसेंटेज के को सिग्निफाई कर रहा है, और उस परसेंटेज के वैल्यूज का 3 डे पीरियड का मूविंग एवरेज को जो प्लॉट किया जा रहा है, तो क्रॉसओवर तभी होगा दोस्तों जब 3 डे के पीरियड में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आएगा। लेकिन दोस्तों ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये दोस्तों कई फॉल्स सिग्नल भी देता है। इसीलिए दोस्तों ये एक मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करके, प्राइस एक्शन एनालिसिस को स्टडी करने के साथ दूसरे स्टडीज के साथ कंबाइन करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। या अपने आप में कोई भी व्यक्ति अगर इसे अलोन यूज करता है
और बाई एंड सेल सिग्नल पे ओवर डिपेंड करता है तो उसके मिस्टेक करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये सभी सपोर्टिंग टूल है दोस्तों, जितने भी इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स हैं। अल्टीमेटली दोस्तों अभी आपने फॉर्मूला में देखा कि ये प्राइस को इस्तेमाल कर रहा है, प्राइस के रेंज को इस्तेमाल कर रहा है अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अल्टीमेटली दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम सुप्रीम है, और टेक्निकल एनालिसिस का तात्पर्य है दोस्तों स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि स्टोकास्टिक हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दोस्तों चार्ट में जितने भी फॉर्मेशन होते हैं अल्टीमेटली इनके कंसेप्चुअल स्टडीज से हम चार्ट की भाषा को, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस लैंग्वेज को समझने लगते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव कर जाती है दोस्तों। तो हम समझते हैं कि स्टोकास्टिक जो एक इंडिकेटर है, एक ऑसिलेटर है दोस्तों, वो हमसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जैसा अभी हमने देखा कि एक ऑसिलेटर है जो ऑसिलेट करता है 0 to 100 रेंज में, और इसकी बाउंड्री है दोस्तों लोअर रेंज है 0 एंड अपर रेंज है 100। तो दोस्तों ट्रेडिशनली जब वैल्यू इसकी 80 के ऊपर होती है तो इसे ओवरबॉट कंडीशन कहा जाता है कि मार्केट ओवरबॉट है, अब मार्केट में एक करेक्शन की संभावना है। और दोस्तों जब इसकी वैल्यू 20 के नीचे रहती है तो वो इंडिकेट करता है ओवरसोल्ड कंडीशंस को। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि मार्केट अब अपसाइड मूव करने की तैयारी कर सकता है। बट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, जो आज जब हम एग्जांपल देखेंगे तो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आएगी, और मैं वहां पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये अपने आप में इनफ डेटा नहीं है कि अगर स्टोकास्टिक 80 के ऊपर है तो करेक्शन होगा ही होगा, या वो नीचे है 20 के तो दोस्तों इसमें अपसाइड मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में होता है और उस ट्रेंडिंग मूव के दौरान जब खास करके ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग अप ट्रेंड या स्ट्रांग डाउन ट्रेंड, उस समय में दोस्तों स्टोकास्टिक की एक टेंडेंसी होती है कि ओवरबॉल्ड या ओवरसोल्ड एरिया में काफी लंबे समय तक वक्त व्यतीत करता है, जो सिग्निफाई करता है दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और इतनी जल्दी रिवर्सल की संभावना नहीं है। अगर बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो 80 के ऊपर में वो साइजेबल टाइम व्यतीत करता है, और जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में तो दोस्तों वो 20 के नीचे काफी वक्त व्यतीत करता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसे हम स्टडीज में दूसरे स्टडीज के साथ में कंबाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं जब दूसरे स्टडीज के साथ हम इसे कंबाइन करते हैं, जो आज हम एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्टोकास्टिक अगर एक मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों, तो इसका ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को समझने के लिए तो किया ही जाता है। साथ में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का कि जो भी मोमेंटम इंडिकेटर्स होंगे उनका इस्तेमाल डाइवर्जेंसेस को चेक करने के लिए भी किया जाएगा, वो चाहे बुलिश डाइवर्जेंस हो या बेरिश डाइवर्जेंस हो दोस्तों, जिन्हें हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, जो किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप से बच सकें जब हम लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन लेने की संभावनाओं को तलाशते हैं और
प्राइस स्टडी के बाद, प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद इन मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल डाइवर्जेंस के लिए करने से हमारी एक्यूरेसी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब दोस्तों इस टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा इलाबोरेट इस पे नहीं करूंगा, एग्जाम्पल के दौरान मैं जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डाइवर्जेंस चेक कैसे करते हैं दोस्तों, जीरो टू जीरो श्रृंखला में जब हमने आरएसआई का ट्यूटोरियल किया और एमएससीटी का ट्यूटोरियल आपने देखा होगा, तो दोस्तों उसमें डाइवर्जेंस के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें रिविजिट कर सकते हैं। और दोस्तों डाइवर्जेंस के कंसेप्ट की क्लैरिटी आना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके और एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन सके और एक अच्छे ट्रेडर बन सके, और वो कॉमन गलतियां ना करें जो अधिकतर ट्रेडर्स करते हैं इसे इग्नोर करके, और वो एक बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप में फंस जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टोकास्टिक का डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है प्राइस चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग वही है जो ओरिजिनल फाउंडर ने अपने स्क्रिप्ट में बताया था। एंड दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ट के ऊपर में जो डिफॉल्ट वैल्यूज है और परसेंटेज के की वैल्यू अगर यहां पे हम देखें दोस्तों, तो ये 14 डे पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, जो अभी हमने सीखा दोस्तों कि 14 डे पीरियड के अंदर में वो लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेंज को मेजर करता है और करंट प्राइस जो चल रही है क्लोजिंग बेसिस पर उससे वो कंपेयर करता है, और उसका परसेंटेज चम्स में परसेंटेज के का प्लॉट होता है दोस्तों। एंड सेकंड डिफॉल्ट वैल्यू है दोस्तों जो है परसेंटेज डी की, और परसेंटेज डी की वैल्यू डिफॉल्ट क्या है दोस्तों, थ्री पीरियड को इंडिकेट किया गया है, मींस थ्री पीरियड के मूविंग एवरेज को जो परसेंटेज के की वैल्यू आ रही है उसको प्लॉट कर रहा है दोस्तों, और उसका स्मूदनिंग इफेक्ट भी थ्री दिखाया गया है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग नॉर्मली 14-3-3 होती है डिफॉल्ट सेटिंग, एंड कुछ लोग इसे 14-5-3 की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, बट दोस्तों 14-3-3 जो ओरिजिनल परिभाषा है दैट इज इनफ, मैं ओरिजिनल सेटिंग को ही इस्तेमाल करता हूं। एंड जब हम अदर स्टडीज के साथ इसे कंबाइन करते हैं दोस्तों तो स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और ये प्रॉपरली काम करता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं और समझते हैं अनदर सेटिंग जो है दोस्तों, कि इसमें कलर की सेटिंग अगर देखें तो परसेंटेज के को जो है वो ब्लू कलर से दर्शाया गया है। ये दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे ब्लू कलर से दर्शाया गया है, और जो परसेंटेज डी है दोस्तों उसे रेड बोले या पिंक कलर से दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका जो अपर बैंड है ये अपर बैंड 80 है, सॉरी फ्रेंड्स, जो 80 के ऊपर ओवरबॉट टेरिटरी दर्शाता है, और नीचे वाला जो बैंड है दोस्तों वो 20 का बैंड है जो उसके नीचे ओवरसोल्ड टेरिटरी को दर्शाता है दोस्तों। जैसा हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होता है, तो अभी हम चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट है, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर हम देखें दोस्तों तो ये एक साइजेबल पीरियड दोस्तों 80 के ऊपर में इसने व्यतीत किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी टेंडेंसी होती है जब अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो 80 के ऊपर दोस्तों इसकी साइजेबल टेंडेंसी होती है समय व्यतीत करने की। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसमें क्रॉसओवर हुआ है यहां पर, बट दोस्तों ये क्रॉसओवर वैलिड नहीं रहा और यहां पे क्रिस क्रॉस होता रहा और अल्टीमेटली प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव करती रही। इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टडीज एक सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और ये ऑलवेज दिमाग में होना चाहिए दोस्तों कि मार्केट का प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है और ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है तो दोस्तों ये 80 के ऊपर
काफी समय व्यतीत करता है, और इसीलिए दोस्तों जब ओवरसोल्ड एरिया से बुलिश मार्केट में क्रॉसओवर होता है दोस्तों, जब जो परसेंटेज के का क्रॉसओवर होता है परसेंटेज डी के ऊपर में, तो उसे हमें वैलिड सिग्नल मानना चाहिए। और ये क्रॉस होने के बाद 20 के बैंड के ऊपर में जब चली जाए तब इस पर रिलाई अधिक किया जा सकता है, जब बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेंड के आधार पे अपने अप्रोच को अडॉप्ट करें दोस्तों। और इसका तात्पर्य ये कहने का है दोस्तों कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में हो और स्टॉकेस्टिक अगर ओवरसोल्ड एरिया से क्रॉसओवर दिखावे, बुलिश क्रॉसओवर दिखाए, तो वो एक वैलिड सिग्नल हो सकता है अगर प्राइस एक्शन एनालिसिस उसी दिशा में इंडिकेट कर रही है। चलिए दोस्तों मैं पिक्टोरियली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्राइस चार्ट है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक स्टॉक है अप ट्रेंडिंग मूव में है, और यहां पर हम क्या देख सकते हैं, स्टोकेस्टिक जो है दोस्तों, ये आप देखिए ये ट्रैवल करके ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया और क्रॉस करके जैसे ही 20 लेवल के ऊपर में गया दोस्तों, और यहाँ पे प्राइस एक्शन एनालिसिस शो कर रही थी कि देयर इज अ ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट। तो दोस्तों प्राइस एक्शन एनालिसिस भी सजेस्ट कर रही है, और स्टोकेस्टिक जो है दोस्तों वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश क्रॉसओवर दर्शाते हुए बाहर निकल रहा है, जो इंडिकेट करता है प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। और दोस्तों ये बहुत सिग्निफाई है, देखना कि हम चार्ट में भी देख सकते हैं प्राइस दोस्तों ईएमए 21 एंड ईएमए 55 से काफी क्लोज है जब ये ब्रेकआउट हुआ, और उस समय पे स्टोकेस्टिक भी यही चीज इंडिकेट कर रहा है कि वो ओवरसोल्ड टेरिटरी से ऊपर मूव कर रहा है, तो अपसाइड मूव की संभावना बहुत अधिक है एंड काफी कुशन उपलब्ध है अपसाइड मूव के लिए, जो हम देख सकते हैं प्राइस ने एक ऊपर की यात्रा तय की। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सिमिलर कंडीशन में जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जैसा हमने देखा कि 20 के नीचे ओवरसोल्ड एरिया में स्टोकेस्टिक जो है वो काफी वक्त व्यतीत करने की क्षमता रखता है दोस्तों, और व्यतीत करता है। अगर आज से आप चार्ट पे जाके ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यस, जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो सिंपली कि वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है वो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा, तो दोस्तों आपको हताश होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा, क्योंकि चलिए एग्जांपल को देखते हैं दोस्तों। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मूव में मार्केट है जो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं स्टॉक स्टोकेस्टिक ने ये एक साइजेबल पीरियड नीचे में व्यतीत किया, यहाँ पे व्यतीत किया, यहाँ पर देखिए ये 20 के नीचे में लॉन्गर टेरिटरी को अडॉप्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो और क्या दोस्तों हम देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये पुलबैक हुआ, पुलबैक होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो प्राइस एक्शन एनालिसिस क्या सजेस्ट कर रही है कि एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में एक पुलबैक होने के बाद प्राइस ने रिजेक्शन देखा की मूविंग एवरेजेस से, और इस जगह पे अगर हम डाउन में जाके देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस अंडर हुआ है जो एक बेरिश सिग्नल है। तो इस तरह से जब हम कंबाइन करते हैं दोस्तों तो हमारी एक्यूरेसी की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हमें दोस्तों स्टोकेस्टिक के इस्तेमाल के लिए, या जैसे भी प्रोनाउंस करें दोस्तों, कुछ लोग स्टोकेस्टिक बोलते हैं, कुछ लोग स्टोकेस्टिक बोलते हैं, इट डजंट मैटर, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि दोस्तों इसे हमने ट्रेंड बेस्ड
पहले हमें ट्रेंड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता रहे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो दोस्तों 80 के ऊपर बुलिश ट्रेंड में वो व्यतीत करता है समय, बहुत अधिक समय तक, एंड डाउन ट्रेंड में है तो दोस्तों 20 के नीचे व्यतीत करता है। तो इस समय पे दोस्तों जब बुलिश अप ट्रेंड है और स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड एरिया से बुलिश क्रॉसओवर दर्शा रहा है वो ज्यादा रेलेवेंट है। एंड दोस्तों डाउन ट्रेंडिंग मार्केट जब है और स्टोकास्टिक जब बेरिश क्रॉसओवर दर्शा रहा है तो वो ज्यादा रेलेवेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि स्टोकास्टिक जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम इसमें भी डाइवर्जेंस की स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और डाइवर्जेंस क्या है दोस्तों, जब प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर में मिसमैच होता है या डिसएग्रीमेंट होता है उसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। अभी हमने दोस्तों जो RSI के ऊपर में ट्यूटोरियल देखा या MACD के ऊपर में ट्यूटोरियल देखा वहां भी दोस्तों डाइवर्जेंस की डिटेल में चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों स्टोकास्टिक के रिस्पेक्ट में इसे क्विक ओवरव्यू करते हैं कि किस तरह से ये मोमेंटम इंडिकेटर जो है स्टोकास्टिक ये भी हेल्प करता है डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप में ना फंसे और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ले सके। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो कई बार प्राइस एक्शन सजेस्ट जरूर कर रहा हो कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन दोस्तों हमें सावधान हो जाना चाहिए और उस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। या कई बार दोस्तों जब हम लॉन्ग ट्रेड में बैठे हैं और हमें डाइवर्जेंस अपियर हो तो वो टाइम है दोस्तों प्रॉफिट बुक करने का और या स्टॉप लॉस को बहुत अधिक टाइट कर देने का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं बुलिश या पॉजिटिव डाइवर्जेंस जिसे बोलते हैं उसका। दोस्तों यहां पर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं इस प्राइस चार्ट के ऊपर में कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। नेचुरली दोस्तों जब डाउन ट्रेंडिंग मूव होगा तभी हमें बुलिश डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलेंगे। हम देख सकते हैं प्राइस ने ये लो बनाया और उससे नीचे ये वाला लो बनाया, तो प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन कर रही थी। लेकिन उसी दौरान दोस्तों हम अगर स्टोकास्टिक में देखें तो प्राइस ने लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं किया। तो दोस्तों ये प्राइस एंड मोमेंटम इंडिकेटर के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, ये दोस्तों मिसमैच हो गया और ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि शायद डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है। प्राइस तो नीचे आ रही है लेकिन दोस्तों मोमेंटम उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब एक पुलबैक की संभावना है, रिवर्सल की संभावना है। ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा या फिर दोस्तों एक पुलबैक की संभावना है जहां से प्राइस अपने ओरिजिनल ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। अगर दोस्तों रिवर्सल की संभावना है तो कुछ ना कुछ हमें चार्ट पैटर्न या प्राइस पैटर्न नजर आएगा जो उस दिशा में भी सपोर्ट करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसे हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं उसके उदाहरण को इस स्टोकास्टिक के चार्ट पर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं बेरिश डाइवर्जेंस को या जिसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहां पर प्राइस चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरली दोस्तों जब भी बेरिश डाइवर्जेंस अपियर होगा या जिसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं वो अपियर अगर होंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कि ट्रेंड अप होना चाहिए, तभी तो दोस्तों रिवर्सल की संभावनाओं को हम देखेंगे। एंड दोस्तों दूसरी कंडीशन कि मोमेंटम इंडिकेटर दोस्तों ओवरबॉट एरिया में होने चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हम क्या देख सकते हैं, ये मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मूव में था और इसके बाद हमने देखा प्राइस ने यहां से यहां पे हाई बनाया, सो हायर हायर्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसी दौरान दोस्तों स्टोकास्टिक जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है वह हमने देखा कि प्राइस ने हायर हाइज नहीं बनाया। इसका मतलब दोस्तों क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपसाइड मोमेंटम का अभाव है एंड मार्केट का स्टीम जो है वो खत्म हो रहा है
डिमिनिश हो रहा है, समाप्त हो रहा है, जहां से इंडिकेट करता है कि एक रिवर्सल की संभावना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्राइस में एक करेक्शन हुआ, और दोस्तों ये करेक्शन एब्सोल्युटली करेक्शन कई बार कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें कोई डेफिनेट सिग्नल मिलता है प्राइस एक्शन के द्वारा जो इंडिकेट करता है कि अभी तक जो चीज अप ट्रेंड में थी वो अब डाउन ट्रेंड में आ सकती है और मार्कडाउन फेज की शुरुआत होने की संभावना है, जहां लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टडीज को आगे समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं आरएसआई एंड स्टोकास्टिक में डिफरेंस क्या है दोस्तों, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो खास करके कंफ्यूज हो सकते हैं कि आरएसआई भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस दर्शाता है, स्टोकास्टिक भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस दिखाता है, दोनों ही दोस्तों मोमेंटम इंडिकेटर है। तो दोस्तों ये क्या डिफरेंस है जो इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डालता है? तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि बोथ आर मोमेंटम इंडिकेटर, यस, एंड दोनों वाइडली यूज होते हैं और टेक्निकल एनालिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर है, बट दोनों को सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मेन फोकस है प्राइस एक्शन एनालिसिस दोस्तों, जहां हम प्राइस एंड वॉल्यूम की स्टडी करके इन सपोर्टिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब ये आरएसआई एंड स्टोकास्टिक में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव को मेजर करते हैं, नापते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि मैं इन्हें दोनों को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूं। अगर आपने दोस्तों इस चैनल के ऊपर में अगर बहुत सारी ट्रेड आइडिया के तहत, स्टॉक आइडिया के तहत, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के तहत अगर स्टडीज को देखा होगा दोस्तों, तो कई बार ये दोनों इंडिकेटर को का रेफरेंस दिया गया है उस एनालिसिस करने के दौरान। तो दोस्तों मुख्यतः मैं तीन इंडिकेटर से ज्यादा कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। फर्स्ट इज आरएसआई, सेकंड इज स्टोकास्टिक, एंड थर्ड दोस्तों एक इंडिकेटर है जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो इंडिकेटर जो है वो प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों को कंसीडर करके डिजाइन किया गया है। तो अगले एपिसोड को वॉच कीजिएगा सर दोस्तों, जीरो टू हीरो श्रृंखला का, जिसमें हम कुछ इंडिकेटर्स लेंगे जिनमें से एक इंडिकेटर ऐसा होगा जो बहुत सिंपल है स्टडी करना, और वो प्राइस एंड वॉल्यूम को दोनों को कंसीडर करके अपनी स्टडीज को एक्यूरेट बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों आरएसआई एंड स्टोकास्टिक की बात अगर करें दोस्तों, तो आरएसआई क्या है, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, माने प्राइस किस रेट से चेंज हो रही है या किस रेट से डिक्लाइन हो रही है, इसको मेजर करता है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, प्राइस की स्पीड या वेलोसिटी को, माने रफ्तार को नापता है दोस्तों ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को अराइव करने के लिए। जबकि स्टोकास्टिक दोस्तों, अभी हमने देखा आज के श्रृंखला में, आज के एपिसोड में, कि ये क्या करता है, ये अज्यूम करता है कि जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है तो जो भी दिन की कैंडल समाप्त होगी या जिस पीरियड की कैंडल समाप्त होगी वो करीब करीब हाई के पास में क्लोज होगी, और अगर बेरिश ट्रेंड में मार्केट है दोस्तों तो वो लो के पास में क्लोज होगी। तो दोस्तों ये प्रिवेलिंग ट्रेंड के आधार पर, मार्केट के उस अजम्पशंस के बेसिस पर डिजाइन किया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो इंडिकेट करता है कि क्लोजिंग प्राइस को किस तरह से पिछले 14 डे के पीरियड में हम उसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेंज के आधार पर उसे कंपेयर करते हैं। और साथ में अजम्पशंस ये है कि मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होगा तो हाई के प्लस में क्लोज होगा, और जब बेरिश ट्रेंड में होगा तो लो के प्लस में क्लोज होगा। इसीलिए दोस्तों ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव को मेजर करते हैं, और अभी मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वी विल सी एन एग्जाम्पल ऑन द प्राइस चार्ट एज टू हाउ
ये दोनों इंडिकेटर को हम कंबाइन करके अपनी एक्यूरेसी को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम स्टोकेस्टिक एंड आरएसआई को दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और साथ में प्राइस एक्शन के द्वारा जो इंडिकेशंस आ रहे हैं तो एक फाइनल वर्डिक्ट लेने के पहले या डिसीजन लेने के पहले कि वो पॉसिबली ट्रेड अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, उस दिशा में हम एक डिसाइसिव एक्शन ले सकते हैं इन दोनों की स्टडी करने के बाद। तो दोस्तों, अगर हम इस प्राइस चार्ट को गौर से देखें दोस्तों, तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, या आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले देखें कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। प्राइस ने करेक्शन लिया, अब ट्रेंडिंग मूव में है मार्केट, प्राइस ने करेक्शन लिया और ट्रेंड लाइन के पास से एक बाउंस दिखाया, रिवर्सल पैटर्न बना, रिवर्सल कैंडलस्टिक बना। तो प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि यस, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि सपोर्ट से वो रिवर्सल ले रहा है। अब उस दौरान में दोस्तों मैं क्या चेक करता हूं, आई विल शेयर विथ यू कि दोस्तों उस पीरियड में आरएसआई जो है 40 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों आरएसआई 40 के नीचे है तो वो अपने आप में एक पुअर मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आरएसआई की स्टडीज में हमने देखा कि आरएसआई की टेंडेंसी बेरिश मार्केट में 40 के नीचे जाने की होती है। अब दोस्तों सेकंड क्या मैं देखता हूं कि स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं होना चाहिए, 80 के ऊपर में नहीं रहना चाहिए। अगर ये दोनों बातें कंफर्म हो रही हैं और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि यहां से रिवर्सल संभव है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। यहां पर दोस्तों देखें इस ट्रेंड लाइन को गौर से, तो दोस्तों प्राइस ने यहां पर भी एक रिवर्सल दिखाया, लेकिन उस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो आप यहां पर देखिए, ये आरएसआई जो है 40 के नीचे था। तो मैं क्या प्रिफर करूंगा कि इस ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा, अवॉइड करूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रॉफिट कमाना, कम ट्रेड करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लेना, वही एक विजडम की निशानी है दोस्तों। अब दोस्तों प्राइस ने फिर करेक्शन किया और यहां पर आप देखिए फिर इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। इस जगह पे एक मुख्य बात ये हो रही है कि ये ट्रेंड लाइन का ये तीसरा टच पॉइंट है जहां से एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। इस जगह में आप देखिए दोस्तों, आरएसआई 40 के नीचे नहीं है और 40 से ये अपसाइड मूव दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो ये आरएसआई है, ये 40 के ऊपर है, और दोस्तों स्टोकेस्टिक को अगर हम देखें तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी के पास में। तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था और हम देख सकते हैं मार्केट ने अपसाइड मूव किया। अब दोस्तों ये तो हो गई कि सपोर्ट एरिया से प्राइस बाउंस कर रही है और हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा ये देखा कि ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा रही है जहां पे एक बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है। ये सिचुएशन यहां पर आप देखें दोस्तों कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, यहां पर एक डीपर करेक्शन हुआ और इसके बाद फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ। इस जगह पे हम देखें दोस्तों तो हम क्या देखते हैं कि इस जगह पे ये इंपॉर्टेंट है देखना कि मोमेंटम अच्छा है कि नहीं। अगर मोमेंटम 60 और 65 के रेंज में है तो नथिंग लाइक इट। एंड दोस्तों स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं होना चाहिए जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। अगर वो 60 पे है, 70 पर है, नो प्रॉब्लम, बट ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं होना चाहिए ताकि हमें वो कुशन रहे अपसाइड मूव का। तो अगर वो ओवरबॉट टेरिटरी में ऑलरेडी है जब ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस भी उस समय पे की मूविंग एवरेजेस से काफी दूर है, इसका मतलब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, तो ये ट्रेड फेल होने की संभावना है। तो यहां पे हमने क्या देखा ब्रेकआउट के कंडीशन में कि स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं होना चाहिए
और आरएसआई में एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक अपने आप में सिग्नल है बुलिशनेस का। तो दोस्तों, अगर आपको जीरो टू हीरो का ये एपिसोड, ये श्रृंखला पसंद आई है दोस्तों, तो इसे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सोशल सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप अगर ट्रेडर्स का ग्रुप है दोस्तों, तो उसमें इसका शेयरेबल लिंक ले लीजिए और उसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और साथ में दोस्तों हमारा परिवार आगे बढ़ोतरी कर सके दोस्तों। एंड दोस्तों, अगर आप अभी चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और इस तरह दोस्तों हम आपस में मिलके एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का क्रिएशन कर सके, जहां पे लर्निंग हो सके और क्रॉस लर्निंग हो सके। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।